खरगोन जिले में जनसुनवाई के दौरान जमीनी विवाद में दबंगों की दबंगई उस वक्त सामने आई जब एक परिवार गांव के दबंगों की दबंगई को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और न्याय के लिए गुहार लगाई। दरअसल मामला कसराव तहसील के ग्राम साडली का है, जहां गरीब परिवार की तकरीबन 15 हेक्टेयर जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इस दौरान परिवार ने बताया कि दबंगों ने वर्षों से कब्जा जमा रखा है और राजस्व विभाग की मिलीभगत से दबंग हमें दबा रहे हैं, इसी के चलते हम मजदूरी करने को विवश हैं। मीडिया से रूबरू पीड़ित ने यह भी बताया कि तहसील में पक्ष का फैसला मिलने के बाद भी हम दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, मेरे जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरे पिताजी का, मैंने मेरे को ये तहसीलदार बोले कि पिताजी का आधार कार्ड सही करवाने से हम अंदर कर देंगे। बोले जमीन जगजीवन गरीब दास की है, बोले अगर सही हो जाएगा तो बोले पुलिस पहुँचने काटेगा नहीं तो हम मिलिट्री फोर्स लगा देंगे। तो साहब मेरे को एक डेढ़ साल में फिर मैंने मेरे पिताजी का आधार कार्ड सही करवाया। मैं बड़वानी जिले में गया, छोटी कसरावत में स्कूल वालों ने लिख के दिया, वो बड़वानी जिले से मेरे को लिख के दिया। जब जाके यहाँ आधार कार्ड सही हुआ, उसके बाद में साहब मेरे को दो कसरे नंबर दिए, 68 और 76, कसरावत तहसीलदार साहब ने। उसके बाद में वो कब्जा नहीं हटा रहे, बस वहाँ गांव जाओ, वो जाते चाय पानी पी के उनके घर से आ जाते और हमको दादागिरी बताते। ये कौन से गांव में रहते हैं? क्या गांव है सब? ये पास में साडली गांव, कसरावत के बीच में साडली है। अच्छा, वो गांव में सब। और शासकीय बता रहे तालाब खुदा दिया, और बाकी लोगों का पन्नालाल माली के करने जमीन है, ऊपर दूसरे करने जमीन है, यादव करने की जमीन है। आपका कब्जा किसने कर रखा था? सब कल कब्जा अभी फिलहाल में भागीरथ पिता मायाराम है और सी यू जी है, मेरे कागज पर नाम लिखा है। अच्छा, तुमने वो इसका केस में भी लड़ा था? जी साहब, मेरी तारीख चली। हाँ, तो क्या आदेश क्या हुआ था? आदेश 6/8/2019 को मेरा आदेश हो गया। क्या क्या आदेश था उसमें? आदेश में मेरी जमीन मेरे को दिए थी। कब्जा मतलब दिलवाने का? हाँ, कब्जा दिलवा नहीं रहे, बोले कब्जा भी है बोले दिलवा दिया, बाकी वहाँ जाते दादागिरी करते। तो तुम वहाँ से जीत गए मतलब? हाँ, कोर्ट से तो जीत गया साहब। अभी आप साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? साहब ने बोला कि उनके पास जाओ, जमीन तो तुमको दे दी, साहब बोल रहे बोले नहीं तो हमको बताना, तुम हम दिलाएंगे तुम्हारी जमीन। बोले कितनी जमीन है आपकी? साहब मेरी जमीन तो 18 एकड़ 15 डिसमिल, बहुत जमीन बता रहे थे, 60-70 एकड़ बता रहे, बहुत सारी 100 बीघा बोल रहा। तो कब्जा कैसा कर लिया? कब्जा लोगों ने कर लिया साहब, इनको मार के भगा दिया है कि छोटा सा बच्चा था ये, भगा बाप ने जान बचा के ले गए गांव छोड़ के, कुएं का पानी थी पीन दिया, गांव वाले बोल रहे हैं आज भी। तो आज भी जमीन तुम्हारे नाम पे? आज भी हमारे नाम पे है ना, कागज है ना, ये रहे हमारे कहने ये रहे, ये ढेर सारे कागज निकाले थे ना यही से। कब्जाधारी क्या कहते? कब्जाधारी ऐसे बोले तेरे से बने थे तो कर ले, दादागिरी बताते हैं, 15 घर के लोग हैं, हम क्या करें अकेले। आप कौन कौन है परिवार में? परिवार ये मेरे भाई है, एक बहन है, 6 भाई हम टोटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश केतवास, मेरे पिताजी का नाम जगजीवन गरीबदास। क्या केस लड़ेंगे? ये केस लड़ने का बोलते मेरे को केस लगा 250 की धारा, ये दांत नहीं देखो, क्या केस लड़ेंगे? देखो हटा इसको, बात हटा, ये बताओ क्या केस, माथ हटाओ तुम भी, क्या केस लड़ेंगे? देखो क्या केस लड़ेंगे, इनका हम पेट भर। क्या जमीन पे कब्जा करा है किसने? बचपन में हीरालाल महावली ने कब्जा कर लिया था और भगाता रहा गांव से। कब से कब्जा कर रखा है इन्होंने? मेरे बचपन का चक्कर था, पेड़ भरता रहा उस समय। अभी दिया हुआ ना आवेदन आपने अंदर? अभी आवेदन दिया आपने, क्या आश्वासन दिया आपको? अभी साहब ने बताया वहाँ तहसील में जाओ, उन लोगों ने तुमको 2 बार कब्जा दे वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।